हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे बिकने वाले स्मार्टफोन के बारे में कि काफ़ी ज़्यादा दिनों से एक अफवाह उड़ी हुई है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जब पहली सेल स्टार्ट होगी वहां पे आपको स्मार्टफोन पे भारी डिस्काउंट देने को मिलेगा। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार स्मार्टफोन सस्ते होंगे या फिर महंगे होंगे। की बात यह है कि अगर आपने अभी तक कोई भी स्मार्टफोन नहीं खरीदा है और सोचने की मन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा और यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है और यहाँ पे हो भी जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 महीने भी हो जाएंगे, उसके बाद आपको इनकी जो सेल है देखने को मिलेंगी। और अगर यहाँ पे लॉकडाउन बढ़ जाता है तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बात करें अगर डिस्काउंट की, तो वहाँ पे आपको 2 से 3 हज़ार रुपये की छूट देखने को मिल सकती है पिछले स्मार्टफोन पे। मतलब कि यहाँ पे अगर जो लेटेस्ट स्मार्टफोन आता है उस पर आपको हो सकता है थोड़ी बहुत छूट मिले, लेकिन यहाँ पे जो पुराने स्मार्टफोन हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं सेल हुए हैं उनकी जो प्राइस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में देखने को मिलेगा, उसमें आपको भारी छूट देखने को मिलेगी और वहाँ पे आप परचेज करके काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी बात है अगर आपने कोई भी स्मार्टफोन नहीं खरीदा, पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए कि यहाँ पे आप नया स्मार्टफोन खरीद सकें। और इस छूट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से कोई भी स्मार्टफोन सेल नहीं हुआ है तो उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे उस लॉस को पूरा करने के लिए ये अपने स्मार्टफोन पे थोड़ी बहुत छूट देंगे, जिससे इनकी जो सेलिंग है वो बढ़ सके और इनका जो लॉस है वो कम हो सके। तो इस तरीके से ये बिल्कुल कंफर्म है 100% इनकी जो प्राइसिंग है स्मार्टफोन की या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट की वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। यहाँ पे आपको 50 से 60% या फिर 40 से 50% की छूट देखने को मिलेगी किसी भी स्मार्टफोन पे। वो हो सकता है लेटेस्ट स्मार्टफोन पे देखने को मिली या फिर हो सकता है आपको सभी स्मार्टफोन पे देखने को मिल जाए।